नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायती राज विभाग ने 101 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर टॉपर्स को मिलेगी अब ये चीजें। बिहार में फिल्म साइट को विकसित करने पर सीएम नीतीश का विशेष निर्देश। बिहार में पालतू हाथियों की होगी डीएनए प्रोफाइलिंग। बांग्लादेश दौरे पर ऐसी है टीम इंडिया की तैयारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायती राज विभाग ने 101 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने स्टेट क्वालिटी मॉनिटर और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर के कुल मिलाकर 101 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आवेदक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://state.bihar.government.in.prd/bihar पर जाकर चेक कर सकते हैं। भीम बांध इस वजह से है बेहद खास। भीम बांध वन्य अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य अभयारण्य है। यहाँ छोटे नागपुर पठार की वन से ढकी पहाड़ियां हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ एक बांध बनाया था और उसी से इस स्थान का नाम उत्पन्न हुआ है। इस अभयारण्य में व्याघ्र, तेंदुआ, भालू, लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। घने जंगलों के बीच स्थित भीम बांध में सुंदर मनोहर पहाड़ियां, मन को मोह लेने वाली प्राकृतिक वादियां हैं। भीम बांध में गर्म और ठंडे जल के दो प्राकृतिक स्रोत है। ठंड के मौसम में देश विदेश से भीम बांध में हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने और छुट्टियां मनाने आते हैं। ठंड के मौसम में थोड़ी थोड़ी धूप के बीच गुनगुने पानी में स्नान करने का आनंद ही अनोखा हो जाता है। जाड़े के दिनों में यहां हर उम्र के लोग घूमने आते हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों को जंगल में बहुत अंदर जाने या अकेले घूमने से मना किया जाता है। भीम बांध में अनेक प्रकार की कीमती जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी मिलती है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर टॉपर्स को मिलेगी अब ये चीजें। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर और मैट्रिक 2022 के टॉप 10 और टॉप 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 76 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन सम्मान समारोह में शिक्षा विभाग के मंत्री व अपर मुख्य सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी शामिल रहेंगे। वहीं अगर बात करें कि इन टॉपर्स स्टूडेंट को सम्मान में क्या दिए जाएंगे तो बता दें कि सम्मान में पहले स्थान आने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले लोगों को 75-75 हजार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिन छात्रों के नाम मेधा सूची में शामिल होंगे उन्हें लैपटॉप, किंडल और ई बुक रीडर, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा वैसे छात्र जो 4th से 10th स्थान तक आते हैं उन्हें 10-10 हजार रुपया, प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं इसके अलावा वैसे छात्र जो 4th से 10th स्थान तक आते हैं उन्हें 10-10 हजार रुपया, प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। घर घर जाकर किया जाएगा मजदूरों का निबंधन। बिहार में अब घर घर जाकर मजदूरों का निबंधन होगा। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन घर जाकर डोर टू डोर किया जाएगा। दरअसल श्रम अधीक्षकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण कामगार मजदूर का निबंधन संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खुद करे। आवेदक से आवश्यक कागजात लेकर घर घर जाकर निबंधन करे। प्रत्येक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को मजदूर के बारे में जानकारी होती है, इसलिए वहां जाएं जहां मजदूर बस्ती है या उनकी आबादी अधिक हो। पंचायत समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारी जाएं और मुखिया, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, वार्ड सदस्य एवं अन्य के साथ संपर्क कर विभाग की योजनाओं की जानकारी दें। 9 CO के सस्पेंड पर बोले आलोक मेहता, शिकायत पर हो रहा एक्शन। काम में लापरवाही बरतने की शिकायतों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा 9 अंचल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं 12 सीओ के खिलाफ कार्यवाही संचालित की जा रही है। इसी मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमने 3 महीने में यह कार्रवाई कर सभी को संकेत दे दिया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार सख्त है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार अगस्त में बनी है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि अगर राजस्व विभाग को ऐसी किसी भी कर्मी या पदाधिकारी
जानकारी के बारे में पता चलता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय निगरानी कोषांग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस मामले पर जल्द ही विभागीय जांच की जाएगी। बिहार में फिल्म साइट को विकसित करने पर सीएम नीतीश का विशेष निर्देश। बिहार में फिल्मों की शूटिंग को लेकर राज्य सरकार सजग हो गई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन गुरुवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यों एवं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें नीतीश कुमार के द्वारा राज्यों में फिल्म शूटिंग को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म साइट के लिए पहाड़ों एवं प्राकृतिक जगह विकसित किए गए हैं। यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक फिल्म निर्माता को जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में फिल्म निर्माण होता है तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही लोक कलाकारों को भी मौका मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का निर्माण राजगीर में कराया जा रहा है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 28 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 22% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय हवा गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कुंडली विधानसभा उपचुनाव के लिए ये 4 दिन है काफी महत्वपूर्ण। कुंडली विधानसभा उपचुनाव के लिए आने वाले अंतिम 4 दिन काफी महत्वपूर्ण और रोचक होने वाले हैं। बता दें कि ये 4 दिन ही जीत और हार का गणित तय करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार कुंडली में जनसभा करने जाएंगे। वहीं बीते बुधवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए कुंडली पहुंचे थे। इसके साथ ही 3 दिसंबर यानी कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान भी कुंडली जाएंगे। वहीं अगर बात महागठबंधन सरकार की करें तो इन्होंने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन की ओर से इस चुनाव को लेकर कई बड़े और दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुंडली उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को उतारा गया है, जिनके लिए तेजस्वी ने यह भी कहा है कि इन्हें उनके पिता लालू यादव ने ही आशीर्वाद देकर उतारा है। बीजेपी बनाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गगनचुंबी मूर्ति। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के सचिव मनीष सिन्हा ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिन्हा ने राज्य सरकार से राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति बनवाने की मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य सरकार मूर्ति बनवाने में अक्षम है तो हमें राज्य में जमीन दे दे, हम मूर्ति खुद ही बनवा लेंगे। आपको बता दें कि 2 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली जीरादेई सिवान में जनसभा आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख को पटना के उनके स्कूल टीके घोष में एक नया क्लासरूम बनाकर उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इसके बाद मुख्य कार्यक्रम 4 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में देश रत्न कॉन्क्लेव में किया जाएगा। सभी जिलों से सीओ व राजस्व कर्मियों की गड़बड़ी की रिपोर्ट तलब। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मियों, अमीनों के अधिकारी और कर्मियों पर सख्त रुख अपनाई गई है। बता दें कि इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इन अधिकारियों के द्वारा की गई गड़बड़ियों की रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि इससे संबंधित सारी जानकारी मुख्यालय में भेजी जाए। दरअसल दाखिल खारिज से जुड़े मामले सर्वाधिक विवादास्पद हो गए हैं। अंचल स्तर पर इसको लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं ऐसे मामलों को लेकर भ्रष्टाचार की भी आशंका बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के ये ऐतिहासिक स्मारक G20 के लोगों के साथ हुए रोशन। बीते दिन भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा जब प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता संभाली, जब विश्व भर की निगाहें भारत पर टिकी है। बता दें कि इस अवसर पर G20 लोगों वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सहित 100 स्मारकों को 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया गया है। इस कड़ी में बिहार के बोधगया अंतर्गत 2 ऐतिहासिक स्थल, जिसमें 80 फीट बुद्ध प्रतिमा और दूसरा सुजाता स्तूप, साथ ही सासाराम स्थित सिरसा सूरी के मकबरे को G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशन किया गया है। लाइटिंग को लेकर पर्यटकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। डिजिटल करेंसी की हुई शुरुआत।
बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से डिजिटल रुपए के खुदरा इस्तेमाल को लेकर पहला पायलट परीक्षण पूरा कर लिया गया है। बता दें कि डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया है। बता दें कि डिजिटल करेंसी कई सारे फायदे हैं, उनमें से एक फायदा यह भी है कि इससे ई रुपए से लेन देन में आसानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिजिटल रुपयों को बैंक के माध्यम से लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत उपयोगकर्ता परीक्षण में शामिल होने वाले डिजिटल वॉलेट के जरिए ई रुपए से लेन देन कर सकेंगे। इसके साथ ही यह लेन देन P2P और P2M दोनों ही फॉर्मेट में किए जा सकते हैं। इसे नकदी रुपए की तरह भी बैंकों में जमा किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। गंगा में नाव पर शुरू हुई सचल पुस्तक प्रदर्शनी, चलते चलते भी पढ़ सकते हैं पुस्तकें। अगर आप भी गंगा में सैर करने के साथ साथ पुस्तक पढ़ने का मजा लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और नमामि गंगे के सहयोग से गंगा नदी में अब सचल पुस्तक प्रदर्शनी चलाई गई है, जिसके तहत आप गंगा में सैर करते करते किताबें पढ़ने का मजा ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की पहली कड़ी में इसकी शुरुआत पटना के दीघा घाट और उत्तर प्रदेश के बनारस में की जा रही है। बताते चले कि इस योजना के तहत ही नाव पुस्तकें सजाकर प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां आप सभी प्रकार की किताबें पा सकते हैं। इस योजना के प्रभारी आकाश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि लोगों के बीच पुस्तक को पढ़ने की इच्छा शक्ति को जगाया जा सके। पटना में बीते दिन से शुरू हुई अग्निवीर की बहाली। बीते दिन कल से पटना के दानापुर में अग्निवीर की बहाली शुरू हो गई है, जो कि 14 दिसंबर तक चलेगी। बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए 7 जिलों के 82,000 युवक और बिहार व झारखंड के 21,000 युवतियों ने आवेदन किए थे। जानकारी के लिए बता दें कि दानापुर में पहले दिन यानी कि कल गोपालगंज के करीब 4,000 अभ्यर्थी ने भाग लिया था। इसके अलावा 2 दिसंबर यानी कि आज गोपालगंज व वैशाली के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 3 दिसंबर को सिवान, 4 दिसंबर को सारण, 5 दिसंबर को सारण व पटना, 6 दिसंबर को पटना व भोजपुर, 7 दिसंबर को भोजपुर, 8 दिसंबर को भोजपुर व बक्सर जिले के सैनिक जीडी पद के लिए दौड़ में शामिल होंगे। 9 दिसंबर को पटना, सारण व सिवान जिले के अभ्यर्थी सैनिक क्लर्क दौड़ में हिस्सा लेंगे। 10 दिसंबर को वैशाली, गोपालगंज, बक्सर व भोजपुर जिले के अभ्यर्थी सैनिक क्लर्क में भाग लेंगे। इसी तरह 11 से 14 दिसंबर तक अलग अलग जिले के अभ्यर्थी सैनिक जीडी पद के लिए दौड़ में शामिल होंगे। पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन भवन को तोड़े जाने पर 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन भवन को तोड़े जाने को लेकर उपेंद्र नारायण सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि इस मामले से जुड़े सभी ब्यौरा को जमा कराया जाए और वकीलों और उनके स्टाफ के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से वकीलों के लिए बन रहे भवन निर्माण का कार्य कब पूरा होगा, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के द्वारा पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से वकीलों के लिए आधुनिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया था। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई करने के लिए 6 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे जगत प्रकाश नड्डा की। जगत प्रकाश नड्डा का जन्म 2 दिसंबर यानी कि आज के दिन 1960 में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने बीए और एलएलबी की परीक्षा पटना से पास की थी और शुरू से ही वे एबीपी से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में नड्डा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रभारी और चुनाव प्रभारी रहे। 1978 में एवीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति शुरू की। इसके बाद 1991 से 1994 के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले वह नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2012 और 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वे पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए और 1994 से लेकर 1998 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। इसके बाद वे दोबारा 1998 में फिर विधायक चुने गए। इस बार उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। बिहार में पालतू हाथियों की होगी डीएनए प्रोफाइलिंग। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी कर अब यह कहा गया है कि अब राज्य में हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और उसके बाद उसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि हाथियों के अवैध कारोबार को रोका जा सके और उनकी पूरी जानकारी संग्रहित की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोनपुर मेला में भी हाथियों का डेटाबेस प्रोफाइलिंग की गई थी। वहीं इस नियम को सब कुछ ठीक रहने पर दिसंबर तक लागू किया जा सकता है और अगले साल यानी कि 2023
2030 तक इसे हर हाल में पूरा कर दिया जाएगा। इस कार्य को किया जा सके इसलिए भारतीय वन्य जीवन संस्थान सैंपलिंग किट और एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। हाथियों की यह जाँच अधिकारियों की सख्त निगरानी में की जाएगी। शीतकालीन सत्र में मंडी व्यवस्था पर प्राइवेट बिल लाएंगे सुधाकर सिंह। महागठबंधन सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मंत्री बनने के बाद से ही खूब सुर्खियों में है। इसकी वजह भी तगड़ी है क्योंकि सुधाकर सिंह ने अपने ही सरकार में अपने ही विभाग की कृषि से जुड़ी योजनाओं पर सवाल उठाया, उसका विरोध किया और नीतीश तेजस्वी सरकार से माफी मांगने की बजाय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार की मंडी व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि इसमें पैसे की बर्बादी हुई है। वहीं अब मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर से संभावित शीतकालीन सत्र में सुधाकर सिंह किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। मिली जानकारी के अनुसार सुधाकर सिंह मंडी कानून को लेकर रामगढ़ के विधायक के तौर पर प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में है। प्राइवेट बिल का पूरा प्रारूप भी सुधाकर सिंह ने तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला सीएम नीतीश पर हमला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज की जो सरकार घर घर दारू पहुंचाने का काम करती है, वे गंगा जल को पहुंचाकर अपने पाप को धोने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके पाप ऐसे हैं जो धुलने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बिहार के कई जिलों से हाल ही में बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर कहा कि वे बड़े नेता हैं और सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं, वे लव जिहाद को जायज बताने में लगे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मदरसों का सर्वे कराकर देखना चाहिए कि कितने जायज एवं कितने नाजायज तरीकों के काम इन मदरसों में हो रहे हैं। बांग्लादेश दौरे पर ऐसी है टीम इंडिया की तैयारी। 4 दिसंबर से भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगी जिसमें 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं। इस दौर में भारतीय टीम की ओर से वनडे टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, ऋषभ पंत, ईशान किशन, रविन्द्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, यश दयाल शामिल है। वहीं इस दौर के लिए भारत की टेस्ट टीम जो है उनमें शिखर धवन, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, यश दयाल के स्थान पर चेतेश्वर पुजारा, सुमन गिल, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और उमेश यादव को शामिल किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1979 में देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। भारत में 1999 में पीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली। प्रशांत महासागर के बोरा बोरा द्वीप में 2002 में एक चलते यात्री जहाज विड स्टार से 219 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने 2008 में FCNR ब्याज दरों में कटौती की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष NG चंदवारकर का जन्म 1855 में हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जनसेवक तथा संत बाबा राघव दास का जन्म 1886 में हुआ। हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 1901 में हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी नागी रेड्डी का जन्म 1912 में हुआ। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बनर्जी का निधन 1918 में हुआ। भारतीय राजनेता एवं महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री AR अंतुले का निधन 2014 में हुआ। आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी है। अब अपनी आवाज से स्टेटस लगा सकेंगे यूजर्स। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप न्यू फीचर लाने वाला है जिसके बाद यूजर्स अपनी स्टेटस अपडेट में वॉइस नोट्स भी शेयर कर पाएंगे। बता दें कि जब इस सेक्शन में कोई टेक्स्ट दर्ज नहीं करेंगे तब उनको यूजर्स को व्हाट्सएप चैट की तरह ही एक माइक्रोफोन आइकॉन नजर आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यूजर्स अपने वॉइस स्टेटस अपडेट केवल उन लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे जिन्हें उन्होंने स्टेटस शेयर करने के लिए चुना है। यूजर्स प्राइवेसी में जाकर उन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें वे अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में शेयर किए गए वॉइस नोट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे। अपकमिंग व्हाट्सएप फीचर न केवल iOS यूजर्स के लिए बल्कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। स्टेटस अपडेट के लिए वॉइस नोट शेयर फीचर भविष्य के अपडेट में उपलब्ध होगा। वायरल
खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को 4000 की मदद राशि मिलेगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ऐसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। एनसीआरओ में देखा गया तेजी से उछाल। लगातार छठे ट्रेडिंग सेशन में बीते दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाई पर बंद हुआ। हालांकि सुबह मार्केट खुलने के बाद सेंसेक्स 63,583 के अंकों पर तो निफ्टी 18,867 अंकों पर जा पहुंचा था, लेकिन दिन में मार्केट ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखी गई और आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 184 अंकों की तेजी के साथ 63,284 अंकों पर तो निफ्टी 54 अंकों की उछाल के साथ 18,812 पर बंद हुआ है। बीते दिन कारोबारी सत्र में जिन शेयरों में तेजी आ रही है उसमें आईटी, मेटल्स, बैंकिंग, मीडिया इंफ्रा, कमोडिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर शामिल है। नई तकनीक का इस्तेमाल कर 4 फीट उठाया 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के करीब 300 साल पुराने जमीन में धंसते बाबा उद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर को नई टेक्नोलॉजी की मदद से 4 फीट ऊंचा उठा दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर को 4 फीट ऊंचा उठाया तो गया लेकिन बिना किसी तोड़फोड़ के, जिसके बाद इस मंदिर को 4 फीट ऊंचे दीवार से जोड़ दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर को चंदन बिल्डिंग लिफ्टिंग कंपनी के द्वारा करीब 2 महीने में 18 मजदूरों की सहायता से लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करके उठाया गया है। बताते चले कि शिव जी के इस मंदिर से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। वहीं आने वाले कुछ समय में इस मंदिर में और भी कई परिवर्तन किए जाएंगे। पूर्व मुखिया नारायण यादव बताते हैं कि मंदिर परिसर में किसी पर्यटकों को परेशानी ना हो इसके लिए कई परिवर्तन करवाए जाएंगे, जिसमें 24 से 25 लाख रुपए की जरूरत हो सकती है, जिसे चंदा इकट्ठा कर पूरा किया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुरुदेव मंडल, विरमानी सिंह, राकेश शर्मा, मृत्युंजय कुमार, राहुल, अजीमा फिरदौस, अतीक खान, नगेंद्र सहनी, मोहम्मद सकीर हुसैन, रंजीत कुमार ठाकुर, भान प्रकाश मौर्य, विजय घायल, घनश्याम चौधरी, राजीव कुमार, नरेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य सरकार द्वारा मैट्रिक इंटर टॉपर्स को दिए जाने वाले पुरस्कार छात्रों के लिए कितना प्रेरणादायक होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।